तो क्या हाल चाल है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप रनिंग करते हैं या फिर जिम करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं बेयर फुट रनिंग शूज। अगर आपने इससे पहले नाम नहीं सुना है तो आप जान लीजिए कि ये एक बेयर फुट रनिंग शूज है जो अभी मेरे पास है। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है। हम जानेंगे कि बेयर फुट रनिंग शूज आपको किस तरह से हेल्प करते हैं रनिंग में और किन लोगों को इसे परचेस करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि ये कैसे दूसरे जो रनिंग शूज हैं उनसे डिफरेंट है, आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं, आपको इसमें कितना कंफर्ट मिलता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लगी जो ये बेयरफुट शूज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है इम्पैक्टो ब्रांड का बेयरफुट रनिंग शूज। और उसके साथ ही जानेंगे कि कैसे डिफरेंट है नॉर्मल जो रनिंग शूज होते हैं उनसे, क्या आप इसे जिम में यूज कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जहां पे आपको फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ हेल्दी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारे रनिंग शूज के और साथ ही साथ सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि इस बेयरफुट रनिंग शूज के क्या है फीचर्स। अगर हम इसके अपर की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे ब्रीदेबल मैश देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पूरी तरह से वेंटिलेशन देता है। और जो इसका अपर है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये आपको जो रेंज ऑफ मोशन देता है, जो नेचुरल मूवमेंट होता है उसको अलाउ करता है, इसीलिए इसे बेयरफुट रनिंग शूज़ कहा जाता है। जैसे कि आप नंगे पांव दौड़ते हैं वैसे ही इसमें आपको फील आती है। वहीं अगर बात करते हैं इसके इंसोल की तो दोस्तों इसमें आपको सॉफ्ट फॉर्म इंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि मीडियम थिकनेस के साथ आता है। और जो इसकी कुशनिंग है इसके सॉफ्ट फॉर्म इंसोल की और जो इसका कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। जब आप इसे पहनते हैं और जब आप इस पर वॉक करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है और आपको एक काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर इसके इंसोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो शूज़ है ये भी बजट शूज़ है, इसलिए जो इसका इंसोल है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देता है। वहीं अगर इसके मिडसोल की बात करें तो मिडसोल इसमें एबसेंट होता है, बेसिकली इसका जो हील ड्रॉप है ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मूवमेंट में, जब आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा वर्कआउट करते हैं, तो उसको हटाने के लिए, जैसा कि आप अगर बेयरफुट वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वैसा ही फील देने के लिए इसमें जो हील ड्रॉप है ज़ीरो रखा गया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी मिडसोल देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मूवमेंट के, जो कि एक शूज़ आपको रेस्ट्रिक्ट करता है जब भी आप रनिंग करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं या फिर जंप वगैरह करते हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। और जिसकी वजह से पूरी तरह से आपको एक मोबिलिटी देता है, एक नेचुरल रेंज ऑफ मोशन देता है जब भी आप यहाँ पर रनिंग वगैरह करते हैं। तो नेचुरल मूवमेंट को अलाउ करने के लिए इस रनिंग शूज़ में जो मिडसोल है, जो इसका हील ड्रॉप है ज़ीरो रखा गया है, जिसकी वजह से आप इसे नेचुरली यूज़ कर पाएँ, जिसकी वजह से जो आपका फीट है उसे नेचुरली अडेप्ट कर पाए और जो रेंज ऑफ मोशन है, जो आपकी जो मोबिलिटी है उसको यहाँ पर हिंडर ना करे। तो अगर मैं बात करूं इसके मिडसोल की तो इसमें कोई भी मिडसोल नहीं है। वही अगर बात करते हैं इसके ओवरऑल कुशनिंग की तो जो इसमें कुशनिंग का फैक्टर है वो बेसिकली है इसका इंसोल, जो कि आपको कंफर्ट भी देता है, ओवरऑल माइक्रोशॉक्स में हेल्प भी करता है। अगर मैं यहाँ पे पर्सनली बात करूँ, जब मैंने इसे पहना और उसके बाद मैंने वॉक किया, जंप किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत शॉक एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है इसके इंसोल की वजह से। और जो इसका इंसोल है काफ़ी अच्छा काम करता है, आपको एक काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देता है। और जो कुशनिंग है इसकी, मेरे को अगर आप कंपैरिजन करते हैं जिन रनिंग शूज़ में मिडसोल होता है, जो नॉर्मल रनिंग शूज़ होते हैं उनसे, तो उसकी कंपैरिजन में कम है, बट आपको जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। आप अगर नेचुरल मूवमेंट चाहते हैं, जैसा कि आप बेयरफुट रनिंग करते हैं, वैसा ही आपको इस बेयरफुट रनिंग शूज़ में रनिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फीट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है रनिंग की, वही आपको फील होता है इस रनिंग शूज़ में। वहीं अगर बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे ओवरऑल कंफर्ट की, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका टो बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। जब भी आप कोई भी रनिंग शूज़ नहीं पहनते हैं और नंगे पांव ही रनिंग करते हैं, तो जो नेचुरल मूवमेंट होता है उसको अलाउ करने के लिए जो इसका टो बॉक्स है काफ़ी वाइडर रखा है, जिसकी वजह से जो आपका टो है उसमें बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन ना आए, जो कि बिल्कुल आपको एक नेचुरल यहाँ पे मूवमेंट दे जब भी आप रनिंग या फिर वॉक करते हैं इसे पहनने के बाद। तो अगर मैं इसके टो बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको ऐसा सच कोई भी इशू नहीं आता और आपको ऐसा फील भी नहीं होता कि आपने कोई ऐसा रनिंग शूज़ पहना हुआ है जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कम्फर्ट के मामले में तो कम्फर्टेबल काफ़ी अच्छा है, आपको ऐसा सच कोई भी इशू नहीं आएगा इसके कंफर्ट लेवल के अंदर। अगर बात करते हैं इसके वेट की, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिलता है हील ड्रॉप ज़ीरो है और मिडसोल इसमें है नहीं, तो जिसकी वजह से जो ये रनिंग शूज़ है इसका वेट निकल के आता है 222 ग्राम,
जो कि मैंने मेज़र किया, और ये बिल्कुल लाइट वेट है। हालांकि ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रनिंग शूज़ है, बेयरफुट रनिंग शूज़ है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कॉस्टली बेयरफुट रनिंग शूज़ के लिए जाते हैं तो वेट में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं इसके आउटसोल की, तो इसके आउटसोल में आपको EVA यूज़ देखने को मिल जाता है, और EVA का यूज़ होने की वजह से आपको इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी देखने को मिल जाती है। हालांकि उतनी परफेक्ट ग्रिप एंड ट्रैक्शन नहीं है, हर एक सरफेस पर काम नहीं करेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सरफेस लाइक रोड पर अगर आप वॉक या रन कर रहे हैं तो वहाँ पर काम कर लेगी, ग्राउंड पर अगर आप वॉक एंड रन कर रहे हैं तो वहाँ पर काम कर लेगी, और अगर आप नॉर्मली यहाँ पर जिम कर रहे हैं, वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो रनिंग शूज़ है इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेयरफुट है जिसकी वजह से आप इसे वेट लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक मल्टीपर्पज़ आपके लिए शूज़ बन जाता है बेयरफुट जो रनिंग शूज़ होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें मिडसोल थिक नहीं है, पूरी तरह से फ्लैट है, जिसकी वजह से आप इसे जिम में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डिफरेंट वर्कआउट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किन लोगों को बेयरफुट रनिंग शूज़ के लिए जाना चाहिए और किन लोगों को बेयरफुट रनिंग शूज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बेयरफुट रनिंग शूज़ बिल्कुल भी यहाँ पे मत पहनना, क्योंकि अगर आप रनिंग करते हैं बेयरफुट रनिंग शूज़ से तो वहाँ पे आपको शिन पेन हो जाएगा और आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा कुशनिंग वाला रनिंग शूज़ चाहिए, जिसमें मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आपके शिन में पेन रहता है और आपको या फिर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप रनिंग वगैरह करते हैं तो आपके शिन में पेन हो जाता है, या आप बिगनर हैं तो भी आप बेयरफुट रनिंग शूज़ के लिए मत जाना। नहीं, जो थर्ड कंडीशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो भी बेयरफुट रनिंग शूज़ आपको हेल्प नहीं करने वाला, वहाँ पे आपको एक नॉर्मल जो रनिंग शूज़ होता है वही चाहिए, जिसमें आपको मिडसोल अच्छा खासा देखने को मिले, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट और कुशनिंग देखने को मिले, तो वो जो रनिंग शूज़ होगा वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं। वहीं बात करते हैं कि बेयरफुट रनिंग शूज़ कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे लाइट वेट हैं और आप पहले से रनिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए आप बेयरफुट रनिंग शूज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक नेचुरल मूवमेंट देगा और आपको अलाउ करेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा जब आप इसे पहन के रनिंग करेंगे। वहीं जो लोग जिम करते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जिम में अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको एक नेचुरल मूवमेंट देगा, तो आपको यहाँ पे बेयरफुट होने की ज़रूरत नहीं है जिम के अंदर, आप इसे पहन के भी आसानी से जिम कर सकते हैं, तो ये आपके लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए हो जाएगा। जो लोग वॉक करते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके फीट में दर्द रहता है तो भी वॉक के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक नेचुरल मूवमेंट अलाउ करेगा और आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देगा। अगर आप बात करें बेयरफुट रनिंग शूज़ के यहाँ पे बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले बेनिफिट इसका ये है कि आपके पोस्चर को यहाँ पे करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रनिंग शूज़ होते हैं उसमें आपको जो मिडसोल देखने को मिलती है वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बनी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा पोस्चर होता है वो थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है एज़ पर जो नेचुरल हमारे मूवमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप बेयरफुट रनिंग शूज़ लेते हैं या बेयरफुट शूज़ लेते हैं जिम में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप नेचुरली इसे वॉकिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्चर करेक्शन में हेल्प कर सकता है। साथ साथ अगर आपके फीट में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए पेन वगैरह है, आपके टो के अराउंड पेन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देगा। बात करते हैं इसके लुकवाइज़, तो लुकवाइज़ ये डिसेंट बेयरफुट रनिंग शूज़ है, और ऐसा एज सच आपको कोई भी इसमें स्पेशल चीज़ें नहीं देखने को मिलती, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल आपको बेयरफुट शूज़ देखने को मिलेगा। आप इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ तो कर पाएंगे, लेकिन आप इसे कैजुअली यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ इस बेयरफुट रनिंग शूज़ के यहाँ पे प्राइस टू वैल्यू की, तो ये 999 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट में आपको और कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है, खासकर आपको एक एक्सपीरियंस लेना है बेयरफुट रनिंग शूज़ का, या फिर आपको जिम में बेयरफुट शूज़ का एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इस शूज़ के लिए जा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आप इस बेयरफुट रनिंग शूज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे बेयरफुट रनिंग शूज़ के बारे में बताया। हालांकि ये मल्टीपर्पज़ शूज़ है, जिसमें आप जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।